हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको मिर्ची का अचार कैसे बनाया जाता है। ये ढेर सारी हमने मिर्चियाँ ली हुई है। ये है तेल, सरसों का तेल। इस ये है राई, पिसी हुई राई, नमक और ये सौंफ। मिर्ची दाना ये देखो हमने बना लिया है। इन सबको मिक्स करके मसाला तैयार कर लिया है। इसमें अब देखो इस प्रकार से मिर्ची को क्या काटना पड़ता है। काट के उसमें मसाला भरा जाता है और फिर इसको कुछ देर रखा जाता है। और दोस्तों एक खाली बॉक्स में इसको डाल के बॉक्स को में डाल के इनको रखा जाता है धूप में। कितने घंटे के लिए रखा जाता है? दो तीन दिन के लिए। अच्छे से तैयार हो जाता है। तेल और थोड़ा नमक। दोस्तों हम आपको बताएंगे, आप हमारे बालाजी पवित्र भोजनालय पे अवश्य आए, जरूर आए, पर एक बार अचार खा के देखे। हमारे अंकल जी का अचार बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आज हम खुद खा के ये टेस्ट करने वाले हैं कि कितना अच्छा अचार है। अंकल जी कब तक तैयार हो जाएगा? दो तीन दिन। तो 2-3 दिन बाद दोस्तों आप सब हम दोबारा एक वीडियो शूट करेंगे और अंकल जी के साथ हम अचार खाएंगे और आपको बताएंगे कि अचार कैसा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम आपको कहना चाहते हैं कि यह है देसी रेसिपी है अचार की। और ये हमारे अंकल जी हैं और इन्होंने मेरे को पहले भी बना के दिया था घर के लिए एक अचार का डब्बा। तो बच्चे मज़े से खाते हैं, बढ़िया बढ़िया अचार है। नुकसानदायक चीज़ नहीं है, लाभदायक चीज़ है। और घर में जैसे छाछ हो तो आराम से एक मिर्ची लो और आराम से भरपेट खाना खा सकते हैं। अंकल जी ये 2-3 दिन में हो जाता तैयार? कितना लगता टाइम? तैयार होने में 3-4 दिन तैयार हो जाती है। अच्छा अच्छा, दो में रखनी पड़ेगी 3-4 दिन। अच्छा अच्छा, तो ये आपने कब से सीखा? एक काफ़ी दिन से। कितने हो गए लमसम? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। अच्छा, जब से रेगुलर बना रहे हो? अब मेहमानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बना देते हैं। एक एक किलो के डब्बे पैक करके बना लेते हैं, बेच देते हैं। तो बहुत बढ़िया तजुर्बा है अंकल जी को। और वास्तव में खाने में बहुत स्वाद है। अजवाइन है, दाना मिर्ची है, हल्दी है, सरसों का तेल है, नमक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसको खाने से पेट में जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या कब्जी रहती हो तो कब्जी खुल जाती है। देसी मिर्ची है, सब है मधुपुर वाली। हाँ, चौथ का बरवाड़ा की ये मिर्ची है देसी। और मेरे क्या है कि मेरे कब्जी रहती थी काफ़ी दिनों से, और मैं जब से ये अचार खा रहा हूँ तो मेरी कब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लेटरिंग बिल्कुल क्लियर हो रहा है। असली की क्या बात है यार, हकीकत है। मैं डॉक्टर के पास जाता था तो मेरे को गोली देते थे वो कब्जी वाली। तो एक टाइम गोली लेता और 1-2 दिन ठीक रहता और फिर तीसरे दिन कब्जी हो जाती। और मैंने अंकल जी से आके मिला, अंकल जी मेरे प्रॉब्लम है, तो अंकल जी मेरे को ये अचार का डिब्बा बना के दिए थे। तो जिसको मैं आज कम से कम महीने भर से खा रहा हूँ अचार, मेरे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मेरे को लग रहा था कि मेरे बवासीर होने वाली है। ख़राब होता है? ख़राब ही नहीं होता है। ख़राब ही नहीं होता है और बहुत बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही शानदार यूनिक है मामला। तो मेरे तो साहब बहुत बढ़िया है। मेरे तो कहने का मतलब डॉक्टरों के घर हो रहे थे, मैं तो दवाइयाँ ले लेकर परेशान हो रहा था। दवाइयों से ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरे पेट में जलन वगैरह होती थी और लेटरिंग में ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। अभी बिल्कुल फैंटास्टिक हो गए, 1 महीने से मेरी तबीयत बिल्कुल ओके हो गई है। तो आज हम अंकल जी के पास फिर दोबारा आए हैं कि यार वास्तव में हम इनको तो पता है कि ये चीज़ ऐसे बनती है और हमको भी पता पड़ गया कि ये कितनी लाभदायक चीज़ है। लेकिन आज फिर हम आपको ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आप लोगों को भी पता पड़े और आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। कमेंट करके बता देना, आपके लिए भी अचार बनवा के और आपके पार्सल करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। अब ये हमारे अंकल जी आपका एक बार बायोडाटा दीजिए। नाम क्या आपका? इनका नाम बता रहे हैं घासीराम जी सैनी। गांव कौन सा अंकल? कावट से हैं ये। और अपने बगरू के नज़दीक में इनका एक होटल है, बालाजी पवित्र भोजनालय। तो यहाँ पे होटल करते हैं और साथ में फ्री टाइम में ये बैठे बैठे अचार तैयार कर लेते हैं बैठे बैठे। और बहुत बढ़िया और शानदार यूनिक आइटम है।
मेरी तो बीमारी ख़त्म हो गई दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको पता पड़े। और ऐसा रेसिपी आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। हाँ सर, आप क्या कहना चाहोगे? सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटेस्टिक आचार है। एक बार दोस्तों आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप कमेंट करके बताइए आचार आपको चाहिए तो आप एक बार लेके दे दीजिए। अंकल जी का आचार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट। थैंक यू, धन्यवाद।